हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन के एनसीईआरटी, और उसी सीरीज में हम आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि सबसे पहले जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, आपको वो पढ़ा दूँ। उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ईश्वर की जो अवधारणा चालू हुई, ठीक है, ईश्वर के बारे में जो संकल्पनाएँ चालू हुई, ये पूजा प्रथा चालू हो गई, ठीक है, अल्लाह ईश्वर ये सारे मतलब पनपे कहाँ से, ठीक है। अब जो एक चीज़ मैं पहले आपको बहुत ही क्लियरली कह देना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर एक तरह से समझ लो आप, ठीक है। इसमें बहुत सारी जातियाँ, धर्म और चीज़, मतलब धर्म को लेकर बहुत सारी बातें होंगी, तो आपसे मैं पहले ही कहूँगा कि आप प्लीज़ पर्सनली ना लीजिएगा, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर पहले क्षमा मांग ले रहा हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ, उस मेरा पर्सनल व्यूज़ नहीं होगा, तो ठीक है। तो ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, कि आप ऐसा ना हो कि परेशान होने लगे और उल्टे सीधे कमेंट करें, तो इट्स बेटर कि मैं आपको पहले ये चीज़ें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, जो चीज़ें बुक्स में लिखी गई हैं, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें ईश्वर की अवधारणा से चालू की गई है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, मैं इसमें सोच रहा हूँ पहले आपको इसमें गुरु मतलब सिख धर्म के बारे में दिया गया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा है सिख धर्म, तो हम सिख धर्म के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के 10 गुरु थे, तो आप ये याद रखिए कि देखो सिख धर्म के 10 गुरु थे। मैं सिख धर्म ही लिख देता हूँ पहले, ठीक है। सिख धर्म, सिख धर्म के 10 गुरु थे, मैं एक एक करके नाम लिखते चलता हूँ, ठीक है, आप ये देखते चलिएगा, फिर इनके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। सबसे पहले इनके गुरु थे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, ठीक है। इसके बाद थे गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव। इसके बाद आते तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे थे जो गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। चौथे नंबर पे थे दोस्तों गुरु रामदास, गुरु रामदास। और जो पांचवें नंबर के गुरु थे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। अच्छा, कई लोग कह रहे थे कि मतलब सर बोर्ड पे नहीं लिखता दिखता है, तो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी दोस्तों, कि आप क्या करिएगा, आप लोग वीडियो कभी कभी होता है कि जब नेट स्लो होता है तो 144 में चला जाता है, 144 वीडियो क्वालिटी होती है उसमें चला जाता है, और 240 होता था, 240p में चलता है। इन दोनों क्वालिटीज थोड़ा सा ऊपर देखा करिए, या तो 360p में देखा करिए मोबाइल में देख रहे हैं तो, या तो 480p में देखिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है कि जो लोग दूर दराज रहते होंगे उनको एक मतलब एक या 1.5 GB 1.4 GB डाटा मिलता है, तो अगर आप 360 में भी देखेंगे तब भी आपको ठीक वीडियो दिख जाएगा, और 480 में देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी दिखेगा और बहुत ज़्यादा डाटा नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो जब भी आप वीडियो देखा करिए तो आप चेक करके जाकर ऊपर से जो राइट ऐसे जो स्क्रीन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसे बिंदी बिंदी से आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें क्वालिटी लिखा हुआ मिलेगा, क्वालिटी में आप वीडियो क्वालिटी 360 या 480p सेलेक्ट करिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 480p सेलेक्ट करिएगा। उसमें क्या कि आपको जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ ना, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो हमने 5 गुरुओं के नाम लिख लिए, अब इनके 6 गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनके 7th गुरु थे गुरु हर राय, 8वें गुरु थे गुरु हर किशन, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और इनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हर गोविंद है, यहाँ हर गोविंद है, ठीक है, ये हर गोविंद है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे गुरु हर गोविंद है ना, कन्फ्यूज नहीं होना कि गुरु गोविंद सिंह दोनों हर गोविंद देखी है। तो ये 10 गुरु के नाम हो गए जो मुझे लगता है कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सारे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप एक एक करके इसको लिख लीजिए, इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए थे वो याद रखना है, जरूरी है। बस आप इतना याद रखिए, गुरु नानक जी देव का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1469 में हुआ था, बस आपकी आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1539 ईस्वी में।
तो बस इनके बारे में आपको ये चीज याद रखनी है, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखने की जरूरत है। और ये 10 गुरुओं के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि लगभग लोग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी देखो करतारपुर साहिब का नाम आया हुआ है, ठीक है, करतारपुर साहिब के लेके हम कॉरिडोर बना रहे हैं, जो पाकिस्तान मतलब जो इंडिया के लोग हैं, ठीक, इंडिया मतलब जो सिख धर्म के लोग हैं। आपको पता है करतारपुर कहाँ पे है, अभी हम ना चर्चा करेंगे। करतारपुर आज के टाइम में पाकिस्तान में जो सिख धर्म के लिए एक सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने क्या क्या उपदेश वगैरह दिए थे, ठीक है, बहुत सारे पंथ की स्थापना की थी, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक कर चलिए डिस्कस करते हैं हम इसमें। सबसे पहले आपने लंगर सुना होगा, लंगर प्रथा किन्होंने चालू की थी, ये चालू की थी, ठीक है, इन्होंने गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा चालू की थी। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, लंगर प्रथा पूछ लिया जाता है एग्जाम में किसने चालू की थी, तो गुरु नानक देव जी ने की थी। और इन्होंने क्या किया था, सिख धर्म की स्थापना की थी, सिख धर्म की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, दो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो इन्होंने क्या किया था, आदि ग्रंथों का एक रचना मतलब ग्रंथों की रचना चालू कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब गुरु अंगद देव, इन्होंने क्या किया, जब इनकी मृत्यु से पहले उन्होंने क्या किया, गुरु अंगद देव को क्या किया, अपना मतलब प्रतिनिधित्व चुन लिया, मतलब कि अगले आने वाले गुरु कौन होंगे, अंगद होंगे, गुरु अंगद होंगे, ठीक है। तो गुरु अंगद का नाम एक्चुअली गुरु अंगद नहीं था, इनका नाम था, मैं आपको नाम बता देता हूँ इनका, इनका नाम था दोस्तों लहड़ा, ठीक है। गुरु अंगद जी का नाम पहले लहड़ा था, ठीक है, इनका नाम लहड़ा था। इनका अंगद क्यों पड़ा, इसे गुरु नानक जी ने क्या किया, इनका अपना नेक्स्ट अनुयायी चुना। तो अनुयायी का मतलब हो गया कि ये क्या है, गुरु के अंग है, इसी नाम पे इसी तर्ज पे इनका नाम क्या पड़ गया, गुरु अंगद पड़ गया, ठीक है। अब जब इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा जो लिपियां मतलब इनको इनके द्वारा जो रचनाएं की गई बताई गई थी चीजें, ठीक है, इन्होंने क्या एक समग्र लिखित क्या किया इसको, एक रचना मतलब क्रिएट कर दी, एक भाग बना दिया उसका। तो इन्होंने यहां से इनके टाइम से क्या हुआ, इनके टाइम पे इन्होंने क्या किया दोस्तों, लिपि के जनक मतलब गुरुमुखी लिपि इन्होंने लिखना चालू कर दिया, गुरुमुखी, ठीक है, लिपि के जनक माने जाते हैं। तो एक लिपि इन्होंने लिखी, एक लिपि गुरु अमरदास ने लिखी, और दूसरी तीसरी लिपि इन्होंने लिखी। जब तीन लिपियां लिख ली तो उसके बाद क्या हुआ, गुरु अर्जुन देव आए, उन्होंने क्या किया, इन सारे लिपियों का क्या किया, समग्र कंबाइंड, जिसमें हम आज के टाइम में बोलते बाइंडिंग करना, मतलब एक साथ चीज़ों को मतलब कर देना। तो उन्होंने क्या किया, इन तीनों का एक एक समेकित मतलब एक साथ कर दिया, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने किया। तो ये क्वेश्चन पूछा था, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने किया था, ठीक है। अब गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था इन्होंने, ये याद रखिए, संकलन में बोलो, संकलन मतलब कंबाइंड कर देना, ठीक है, सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देना। ये किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट मैंने फैक्टर्स में बताया था, आप ये याद रखना, ठीक है। लिपियां इनके द्वारा तीनों द्वारा लिखी गई, एक एक पार्ट लिखा गया, तीनों पार्ट को इन्होंने क्या किया, एक तरह से समग्र एक साथ कर दिया, कंबाइंड कर दिया इसको, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था, स्वर्ण मंदिर का भी नींव इन्होंने रखा था। स्वर्ण मंदिर का नींव अगर पूछ लिया जाए किसने रखा था, तो याद रखिए गुरु अर्जुन देव ने रखा था। और इन्हीं को क्या किया था, जहांगीर ने क्या किया, तफासी की सजा दिलवा दी थी, क्योंकि उनको डर लग रहा था किससे, सिख धर्म से। जहांगीर को मुस्लिम जो जहांगीर को मैंने हमने पिछली बार पढ़ा भी था, इन्होंने क्या किया था, इनको ही फांसी की सजा दे दी थी। तो ये भी एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुरु हरगोविंद सिंह की, तो इन्होंने क्या किया था, अकाल तख्त की स्थापना की थी, ठीक है, युद्धों के लिए, अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना का मतलब यह है कि देखो अर्जुन देव जी को क्या किया था, मृत्युदंड की सजा दे दी गई जहांगीर के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब युद्ध में भी शामिल होना पड़ेगा, और अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, अकाल तख्त की स्थापना की थी, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे देखो इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता कुछ भी, इसमें भी नहीं पूछा जाता, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाते। लास्ट में एक चीज़ आपको पूछा जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब को जो प्रमाणित किया वो किसने किया, तो आप याद रखिए गुरु गोविंद सिंह ने इसको क्या किया था, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रमाणित कर दिया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, इसको प्रमाणित कर दिया था। और दूसरा ये चीज़ और याद रखिए, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, सॉरी खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आप ये याद रखिए, खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, प्लस गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने क्या किया था, प्रमाणित कर दिया था। तो ये इतने पॉइंट्स थे इनके बारे में, ठीक है। अभी आपको पता है कि डेरा बाबा नामक से कहाँ वहाँ तक करतारपुर तक एक हम कॉरिडोर बना रहे हैं, जो आधा 2 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान में, 2 किलोमीटर इंडिया का भाग है, लगभग 4 किलोमीटर का हमको कॉरिडोर भी निर्मित करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी करंट में भी रहा है, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने दोस्तों पढ़ लिया था सिख धर्म के बारे में, ठीक है। सिख धर्म के बारे में एक करके मैं पूरा डिटेल से एनालिसिस कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये ईश्वर की कल्पना है ना, कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। ईश्वर आए कहाँ से, ये टर्म समझने की बहुत ज़रूरत है। फिर उसका अनुराग मतलब पूजा पाठ करना कैसे हमने चालू कर किया, वो भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले बात की थी, देखो हमने क्या ऐतिहासिक, अगर हम पूरा टर्म बात करें, हमने बहुत पहले पढ़ा भी था आपको अगर याद हो तो, ठीक है, कि हमने कालों को तीन क्रम में बांट रखा था, प्राग ऐतिहासिक, आद्यतिहासिक और ऐतिहासिक काल में बांट रखा था। पूरा पाषाण काल भी हमने पढ़ा था, उसमें भी तीन कालों को हमने करके पढ़ा था, ठीक है। चलो वो बहुत पुरानी हो गई आपको, मुझे लगता है याद भी नहीं होगी, और जिनको याद है अच्छी बात है, ठीक है। तो बात करते, देखो सबसे पहले इंसान कहाँ रहता था, मैंने आपको पढ़ाया था जब हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की, तो पहले इंसान कहाँ रहता था, जंगलों में रहा करता था, पेड़ों पर रहा करता था। फिर धीरे धीरे पेड़ों से क्या, जमीन पर आना चालू हुए, जमीन पर जब रहना चालू किया तो उन्होंने फल फ्रूट खाना चालू कर दिया, जानवरों को पालतू बनाना चालू कर दिया, धीरे धीरे किसी, फिर समाज, फिर समुदाय में रहना चालू कर दिया। तो ये सारे टर्म हमने एक एक करके क्या किया था, जिसके हिसाब से सारा किया था, ठीक है। तो आप सोचो कि जब वो समुदाय में रहते थे जंगलों में, तो उन्होंने क्या किया था, समुदाय में जब रहते थे वो लोग, तो क्या उस टाइम पे भगवान थे, अल्लाह थे, राम थे, ऐसा कुछ था? आप एक बार सोच के देखिए, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया था कि आप लोग, मतलब यहाँ पे मेरा किसी धर्म को आहत करने का मतलब नहीं है, ठीक है। जो हिस्ट्री में एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं आपको वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो उन समुदायों में क्या था, ना ईश्वर का नाम था, ना अल्लाह का नाम था, ना भगवान का नाम था। हम आगे चल के देखेंगे कि आगे आगे क्या होता है, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। उसमें अगर एक बात करो, जैसे मैंने अभी आपको सिख धर्म पढ़ा दिया, अब आपको पता है गुरु नानक देव जी का जन्म ही कब हुआ था, 1469 ईस्वी में, 69 में, ठीक है, 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। अब देखो इनको भी लोग भगवान का दर्जा देते हैं, मान मतलब, ठीक है। सिख धर्म के लिए क्या है, पवित्र पवित्र मतलब गुरु माने जाते हैं, मतलब गुरु माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो ये 1469 में आए, अब उससे पहले कहाँ सिख धर्म था, आप ये देख, आप अगर मैं सोचने का देखो तरीका बता रहा हूँ आपको, जो गुरु नानक देव जी थे उनके भी तो मतलब पेरेंट्स रहे होंगे, माता पिता रहे होंगे, वो किस धर्म को मानते थे आपको नहीं पता, उनके पिता किस किस धर्म को मानते थे आपको नहीं पता, हो सकता है वो हिंदू रहे हो सकता है वो मुस्लिम रहे हो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, एक नए धर्म की स्टार्ट कर दी, मतलब नए धर्म को बना दिया, जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम पर सिख धर्म, ठीक है। इन्होंने सिख धर्म को क्या किया, सिख धर्म के मतलब एक बढ़ावा दे दिया, ठीक। इसी टर्म में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो लोग समुदाय में रहते थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, अब देखो जो जंगलों में रहा करते थे वो प्रकृति को ही अपना क्या भगवान मानते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति का पूजा पाठ करते थे। यही से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट निकलना चालू होता है क्या, कि एक मूर्ति बना ली इन्होंने, एक मूर्ति बना ली, एक पिंड जैसा कुछ पत्थर सा रख दिया, उसी को बोलता है कि ये देवता है हमारे, ये ठीक है प्राकृतिक देवता है, कुछ भी देवता नाम, धीरे धीरे लोगों ने क्या क्या देना चालू कर दिया। तो जब पूजा पाठ की परंपरा हुई, ये शुरुआत हुई इन्हीं समुदायों से, ठीक है। आगे आगे फिर धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया, जब धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, तो इसमें फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सारी चीज़ें विकास होती गई, लोग बढ़ते गए, और जब 8वीं शताब्दी के आसपास का समय आता है, हमने ईसा मसीह का जन्म बताया था, वो बीसी के पहले, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले टाइम को हम बीसी बोलते थे, उसके आगे वाले टाइम को एडी बोलते थे। तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद से हमने क्या ईस्वी चालू कर दी, जिसको हम एडी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके 1000 ईस्वी तक, 1000 या 1200 ईस्वी तक, ठीक है, ये क्या हुआ, उसको हम भक्ति आंदोलन कह सकते हैं। सूफी संत वगैरह 8वीं और 9वीं ईस्वी में सूफी संत वगैरह भक्ति आंदोलन भी चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, नए नए भगवान बने, नए नए धर्म बने, नए नए जातियाँ बनी, नए नए समुदाय बने, और वर्ण व्यवस्था भी इसी टाइम पीरियड पे सारी आना चालू हो गई, ठीक है। ब्राह्मणों ने क्या किया, हायरार्की बनाई, जिसको मैंने आपको बहुत बार बता रखा कि चार वर्णों में बांट दिया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, ठीक है, उसके पहले क्षत्रिय थे उसके ऊपर, ठीक है, इसके नीचे उसके ऊपर क्या थे, शूद्र वैश्य थे, ठीक है, इसके नीचे शूद्र थे। इन्होंने क्या किया, पूरा हायरार्की बना दिया, एक हायरार्की बना के बता दिया कि हम सबसे महान हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, इससे नीचे ये आते हैं, इससे नीचे ये आते हैं, इससे नीचे ये आते हैं, एक एक करके उन्होंने पूरा डिटेल में सारा समझा दिया, ठीक है। तो आप देखो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन आया, कि इन्होंने क्या लिखा, कैसे किया, किस धर्म की स्थापना हुई, कैसे कैसे धर्म बनते चले गए। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को देखो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, देखो जैन धर्म की, तो आपको पता है कि ऋषभ देव जी ने उनके स्टार्ट की थी करीब लगभग 599 BC में, इनका जन्म हुआ था 599 के आसपास, ठीक है। तो आप सबसे जैन धर्म की बात करें, देखो उस टाइम पर जैन धर्म स्टार्ट हुआ, ठीक है। उससे पहले भी बात करो तो लोग अलग अलग क्या करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, जैसे मैंने बहुत बहुत पहले मतलब बताया भी था आपको कि लोग पत्थर रख दिया करते थे, जैसे अब जो समुदाय रहते थे वो लोग क्या करते, पत्थर रख के उसकी पूजा करते थे, कहते थे हमारे इष्ट देवता, ऐसे नाम उन्होंने कुछ भी नाम दिया करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे विकास होता गया, ठीक है। उसके बाद आपको कौन आता, जैन धर्म आता है, एक नया धर्म चालू होता है जैन, ठीक है। अब वो भी उनके भी पूर्वज कुछ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने फिर एक नया धर्म चालू किया जैन धर्म। उसके बाद आपने बौद्ध के बारे में सुना होगा,
ठीक है। आप गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध किसी भी किसी किसी के तो वंशज रहे होंगे, किसी भगवान को तो मानते रहे होंगे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या किया, इन्होंने एक नया धर्म की स्थापना कर दी। इनको हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, जैन धर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब की बात करते हैं तो उन्होंने इस्लाम धर्म को मतलब अनुयायी माना जाता है, इस्लाम धर्म का स्थापक माना जाता है। तो आप ओवरऑल जब सारी चीज़ें एक बार देखोगे ना तो आपको क्या पता चलेगा कि जितने हम धर्म की पूजा करते हैं, जिन धर्म को हम मानते हैं, वो धर्म क्या है, सारे इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब भगवान का रूप वो आगे चल के हो जाते हैं, लेकिन ये सारे क्या है, एक कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा बनाया गया। जिसमें हम बात करते देखो बौद्ध की, महात्मा बुद्ध ने, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने हमेशा कहा था क्या कि देखो तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारा क्या है, ये परिवेश ही है, तुम इसको ये मतलब किसी को चीज़ को सुख मानते हो, किसी में दुख मानते हो। उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि ये सब एक मोह माया, जितना है जल्दी तुम अपने आपको संतुष्ट करने लगोगे, अपनी मोह माया को जितना ही कम करोगे उतनी सुखी रहोगे। आगे चल के क्या होता है, मतलब ब्राह्मण जो ब्राह्मण हायरार्की बनाई थी हमने, ठीक है, ब्राह्मण की हायरार्की बनाई थी जिसमें वर्ण व्यवस्था बनाई थी, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने क्या कहा कि आप इस भगवान की पूजा करो। देखो एक जो एक चीज़ और था, मंदिर में कभी देखा है कि आप क्या हो, आप शूद्र हो तो आप नहीं जाओगे, आप वैश्य हो तो नहीं जाओगे, ऐसा कहीं नहीं होता मंदिरों में, ठीक है। नॉर्मली मंदिरों में क्या कहा गया कि आप किसी भी वर्ण किसी भी वर्ण व्यवस्था से हो, आप कहीं भी मंदिर में जा सकते हो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या आगे चल के, देखो मतलब लोगों में इतना जिन्होंने बौद्ध धर्म को अब मानना चालू किया धीरे धीरे, ठीक है, उनके अंदर भी इतना डर लोगों ने बैठा दिया कि देखो पाप पुण्य। उन्होंने क्या किया कि अगर आप गलत काम करते हो तो आगे चल के आपको फिर से इसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। 86 लाख योनियों का लोगों ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि आपको 86 लाख योनि में जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, आपको जाके मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मोक्ष की प्राप्ति पहले चाहते हैं तो भगवान की आराधना करिए, परम परमेश्वर की आराधना करिए, और वो आपको क्या करेगा, आपको इसी जन्म में मोक्ष दिला देगा और आप स्वर्ग को सुधार जाएंगे, मतलब स्वर्ग आपको मिल जाएगा। वरना आपको 86 लाख योनियों का जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, स्वर्ग को आप पहुंच पाएंगे। तो 86 लाख जन्म में कहते हैं आप अगर गलत काम करते हो तो आप किसी और जानवर का जन्म आपको मिलेगा, किसी कुत्ते का जन्म मिल जाएगा, ऐसे ऐसे चीजों से डराया गया। तो हुआ क्या, बौद्ध धर्म में भी ये सारी चीज, लोगों को इतना डर पैदा हो गया जो बौद्ध धर्म वाले थे, इन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा करनी चालू कर दी, बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाना चालू कर दी इन्होंने। इससे पहले वो भगवान बुद्ध को मतलब एक संस्थापक की तरह मानते थे और उनका एक मार्गदर्शक की तरह उनकी मतलब उनसे बातें सुना करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना चालू कर दिया। आज के टाइम में देखोगे बौद्धिज्म में क्या है, बुद्ध भगवान की मूर्ति बना के हम पूजा करते हैं। सिख धर्म की बात करते हैं, सिख धर्म मैंने अभी बताया, ठीक है, हम गुरु नानक देव जी की मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, मतलब गुरुद्वारे बनाते हैं, गुरुद्वारे में जाके ठीक है पूजा करते हैं, सारा ताम झाम सब सारा एक एक करके करते हैं, ठीक है। ऐसे इस्लाम की बात करें, इस्लाम में भी हुई, जैन धर्म में भी, हिंदू में है, ठीक है। अब बात करते हो चोल साम्राज्य, मैंने बताया चोल साम्राज्य जब बसा था कावेरी नदी किनारे, उन्होंने क्या किया था, पूरा मंदिर भव्य मंदिर बनवाना चालू किया। तो उसमें भी उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मंदिरों में भगवान का नाम देने चालू, किसी ने मतलब विष्णु भगवान का नाम दे दिया, किसी ने शिव भगवान का नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे करके एक एक करके इन्होंने मंदिरों के नाम देते चले गए, भगवान के मंदिरों बनाते चले गए। आप हिंदू धर्म में देख लीजिए, कुछ एक फिक्स, आप हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, आप किसी को मान सकते हो, आपको सबको मानने के लिए क्या है, स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को किसी भी भगवान को आराम से मान सकते हैं, किसी भी भगवान को पूजा कर सकते हैं, कोई भी आपको उसमें मना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स मैंने आपको एक करके डिस्कस कर लिए इसमें, ठीक है, एडी ये वाला, ठीक है। अब बात करते हो भगवत गीता की, तो देखो भगवत गीता कब आया, ये भी आप देखो भगवत गीता कब आया, रामायण कब आया, रामचरितमानस, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, अब वाल्मीकि के द्वारा क्या लिखा गया, ये सारी चीज़ आप देखो तो सारे जितने ग्रंथ लिखे गए वो एक इंसानों के द्वारा लिखे गए। अभी मैंने गुरु ग्रंथ साहिब की बात की, गुरु ग्रंथ साहिब क्या था, तीन लोगों ने मिला उसको एक पर्सन ने क्या किया, उसको पूरा एकदम कंबाइंड किया, कंबाइंड करने के बाद उसको प्रमाणित एक पर्सन ने कर दिया और ये हो गया गुरु ग्रंथ साहिब, एक पवित्र ग्रंथ हो गया, ठीक है। तो ऐसी एक सारी कल्पनाएं थी जो धीरे धीरे आगे चल के बढ़ती चली गई और धीरे धीरे ये धर्म में कन्वर्ट होता गया, लोगों ने क्या किया, पूरा पूजा आराधना करना चालू कर दिया, ठीक है। देखो अब इसमें एक टर्म आएगा नयनार, नयनार क्या थे, आपको ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है, मैं नयनार बता दे रहा हूँ। एक टर्म आएगा नयनार और एक टर्म आएगा अलवर, ठीक है। तो जो नयनार हुआ करते थे दोस्तों, वो शैव संत थे, शैव संत मतलब शिव के भक्त थे ये, तो ये चीज़ आप याद रखिए, शैव संत थे, ये शिव के भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे। इसके बाद एक टर्म आएगा आपका, ठीक है, अलवार, अलवार जो थे वैष्णव संत थे, ठीक है, और ये कहते विष्णु जी के भक्त थे। तो आप ये टर्म याद रखिएगा, विष्णु जी के भक्त थे, ये नाम याद रखिए, नयनार क्या थे, शैव संत थे और शिव जी के भक्त थे, अलवर क्या थे, वैष्णव संत थे और विष्णु जी के भक्त थे, ठीक है। उसके अलावा सूफी संतों वगैरह की हमने बात कर ली, ठीक है, बौद्ध धर्म, अच्छा ये एक चीज़ और आता, एक चीज़ याद रखिए, ये दोनों लोग क्या थे, ये दोनों लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बहुत ही घोर मतलब के आलोचक थे, ये इसको नहीं मानते थे। इन्होंने क्या किया, अब अपनी ही कल्पना चालू कर दी कि हम शिव भगवान के भक्त हैं, हम विष्णु भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ चोल साम्राज्य में कुछ लोगों ने देवी देवताओं के नाम लिए, कुछ दुर्गा जी का नाम लिया, जय माता दी करके नाम लिया, उन्होंने क्या किया, अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने भगवान बनाने चालू कर दिए थे, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कबीर की, ठीक है, कबीर का नाम भी इसमें आया है। बात करें कबीर की, तो कबीर जी 14वीं 15वीं शताब्दी के आस, मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास थे, ठीक है। इन्होंने मतलब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे ही इन्होंने अपनी संकल्पनाएं लिखी, जिनके बारे में आपको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनका नाम मिल जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा रचे गए जो ग्रंथ, मतलब ग्रंथ क्या, इन्होंने ये क्या थे, घुमक्कड़ थे, घुमक्कड़ थे, ठीक है। अब ये बोलते करते थे, इनके जो शिष्य रहा करते थे वो इनके जो द्वारा जो जो भी रचनाएं की जाती थी वो गाते थे। उसके आगे चल के क्या किया उनको शिष्यों ने, इसको लिखित रूप में रख दिया, ठीक है, यार लिख दिया इनको सारी चीज़ों को। तो ये आगे चल के आपको देखो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा, बीजक में आपको इनके सारी रचनाएं मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब ये भी क्या थे, ये किसी धर्म को नहीं मानते थे, ये ना हिंदू धर्म को मानते थे ना ये मुस्लिम धर्म को मानते थे, ये कहते थे कि मैं धर्म को नहीं मानता, मेरे को धर्म में कोई विश्वास नहीं है, ठीक है। बात करते गुरु नानक देव की, तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बाबा गुरु नानक ने भी क्या किया था, धर्म को अस्वीकार किया था। धर्म को अस्वीकार करने के कारण क्या किया था इन्होंने, सिख धर्म की स्थापना की थी। क्योंकि देखो आप कोई धर्म बना रहे हो इसका मतलब यह कि आप किसी धर्म को नहीं मानते हो। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम आप लोग बाबों के मतलब बाबा के कॉन्सेप्ट आ गया ना, बहुत सारे बाबा नए नए बनने लगे हैं लोग, ठीक है, उनकी पूजाएं करते हैं, तो आगे चल के वो क्या होगा, एक धर्म के रूप में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। यही देखो जो आज से है, देखो आप आज से देखो 1000 साल पहले की बात करें अगर हम, तो अगर गुरु नानक देव जी की बात करें तो आज से लगभग 1500 ईस्वी मतलब 500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, 500 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम उन्होंने एक मतलब एक जैसे आज के टाइम निरंकारी की हम बात करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वो चालू किया रहा होगा उन्होंने, लेकिन 500 साल होते 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 क्या वो एक धर्म का रूप ले लिया, सिख धर्म का, ठीक है, सिख धर्म के रूप में ये परिवर्तित हो गया, ठीक है। ऐसे जो आज के टाइम निरंकारी बाबा वगैरह होते हैं, ठीक है, इनका भी एक क्या है, एक पूरा एक फॉलोअर है, एक गुट है जो लोग फॉलो करते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आगे चलते 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 क्या होगा, इनका भी एक धर्म बन जाया करेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, धर्म पनपते चले गए थे, ठीक है। तो देखो आप तुलसीदास जी की बात करते हैं, तुलसीदास और सूरदास, इन्होंने क्या किया, इन्होंने धर्मों को क्या किया था, स्वीकार किया था, ठीक है। अब सूरदास जी देखो किसके भक्त थे, अगर आपने पढ़ा होगा तो सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे, ठीक है, सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्त थे। और बात करें तुलसीदास की, तो उन्होंने क्या लिखा था, रामचरितमानस लिखा था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, रामचरितमानस, ठीक है। अब देखो हम रामचरितमानस उन्होंने लिखा था, हम रामायण पढ़ते सब कुछ करते हैं, लेकिन लिखा किसने था, ये भी तो एक पर्सन ही थे, इंसान थे, सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे, ये भी तो एक पर्सन थे। मीराबाई का नाम हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, मीराबाई भी तो एक रानी थी, ठीक है, तो वो भी एक रानी थी, वो भी एक पर्सन थी। तो ये सारे टर्म्स से तो मैं आगे करके आपको लगभग दोस्तों बताते चला गया कि देखो आप देखो यहाँ पे मेरा किसी जाति किसी धर्म किसी को एक मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को फोर्सफुली कहना कि एक चीज़ गलत है। जो एनसीईआरटी में दिया गया था मैंने आपको एक एक करके वो चीज़ें समझाने की कोशिश की है, और मैंने आशा किया कि आप समझेंगे इन बातों को, ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो देखो सारी चीज़ें आपको समझने की जरूरत है कि कैसे धर्म पनपा, कैसे स्टार्ट हुआ। तो एक बार हम अगर लास्ट में रिविजन करें तो सिख धर्म इसलिए मैंने पढ़ा दिया था कि देखो आपको पता रहे कि देखो कोई धर्म नहीं था सिख धर्म पहले, आज से पढ़ अगर इनके जन्म के पहले की बात करें 1469 के पहले की बात करें तो सिख धर्म था ही नहीं। गुरु नानक जी आए, उन्होंने क्या क्या धीरे धीरे ये सिख धर्म की स्थापना की, उसके बाद से एक प्रॉपर फॉलो होते हुआ प्रोसेस आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। तो जितने भी धर्म आज के टाइम पे हैं, जितने भी धर्म आज के टाइम पे आप पढ़ते हो या जिस धर्म को आप मानते हो, बिलोंग करते हो, श्रद्धा रखते हो, वो कहीं ना कहीं इंसानों के द्वारा बनाए गए और धीरे 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 क्या हुआ, वो आगे चलते गए। अब इसका रीजन क्या था, मतलब धर्म की एक संकल्पना आई क्यों, आपको ये समझने की सबसे ज़्यादा जरूरत है कि एक धर्म आया क्यों, ठीक है। अगर हम बात करें धर्म क्यों आया, तो धर्म की बात करें अगर, देखो होता क्या था कि जब कोई अच्छा काम करता था तो वो भगवान को याद नहीं करता। आपको नॉर्मली आप देखिएगा कि जब आप अच्छा काम करते हो तो भगवान को कम याद करते हो, लेकिन जब बुरा काम कर देते हो आपको जब पछतावा होता है तो उस टाइम पर भगवान को सबसे ज़्यादा यूज मतलब याद करते हो। तो ये जो वर्ग समुदाय था, वर्ण समुदाय था, जिसमें ब्राह्मण ऊपर सबसे थे, इन्होंने संकल्पना देना चालू कर दिया कि अगर देखिए आप अच्छा काम करेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छे काम मतलब भगवान की पूजा करो, पाठ करो। इन्होंने एक संकल्पना चालू कर दी कि आपको क्या होगा, जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन अगर आप गलत काम करते हो तो आपको क्या है, जल्दी मोक्ष नहीं मिलेगा, 86 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या होगा, आपको मुक्ति मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को डर सा लोगों को बैठाना अंदर चालू किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के मतलब एक तरह से कह लो धर्म चालू हो गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें चालू हो गई। ग्रंथ जो ग्रंथ पवित्र ग्रंथ बोले जाते हैं, बाइबिल बोला जाता है, ठीक है,
बाइबल कितने का ईसाइयों का ग्रंथ बोला जाता है, कुरान इस्लाम धर्म के लिए बोला जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, सारी संकल्पनाएं बढ़ती चली गई और ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक क्या एक धर्म का रूप लेते चले गए। आज के टाइम में देखो जो बाबा है, मैं कहानी एक तरह से सब अगर दूर तक आप देख पाओ अगर एक चीज, तो आपको क्या पता चलेगा जो आज के टाइम पर हम बाबा को फॉलो करते हैं जो लोग, ठीक है, उनके फॉलोवर डे बाई डे अगर बढ़ रहे हैं, अगर उनके फॉलोवर डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद इनका भी एक धर्म बन जाएगा। कोई भी बाबा ले लो, ठीक है, नीली टोपी वाले बाबा, तो एक धर्म बना देंगे नीली टोपी वाले बाबा का धर्म। तो ऐसे ही जैसे हिंदू मुस्लिम की हम बात करते हैं, वैसे हम कहेंगे नीली टोपी वाले बाबा धर्म, तो एक ऐसा ही धर्म आ जाएगा, ठीक है। तो एक संकल्पना जो आगे चल के ऐसे ऐसे बढ़ती चली गई, ठीक है। मेरा पर्पज देखो यहाँ पे बस इतना ही था कि जो चीज़ें इंसाइडिंग देगी थी वो बताना था, किसी धर्म को यहाँ पे आहत करने का नहीं था, ठीक है। तो जितना था मैंने इसमें दोस्तों आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी का लिए हमने लगभग 8वां चैप्टर कवर कर लिया, 2 चैप्टर और बचे हैं, तो इसको हम दोनों चैप्टर कल कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कल आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दे दूं। तो अभी क्या है कि मेरे को 3 से 4 दिन पूरा फ्री समय मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगातार थोड़े ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।